हेलो स्टूडेंट्स, अपन आईटी इलेक्ट्रिशियन का टॉपिक पढ़ रहे थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था, जो सेकंड ईयर का टॉपिक है। आज अपन वापस आते हैं फर्स्ट ईयर के टॉपिक पर, क्योंकि सेकंड ईयर की मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दी थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल आ रहे थे कि मैडम फर्स्ट ईयर का टॉपिक दीजिए फर्स्ट ईयर का। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि एक टॉपिक फर्स्ट ईयर का होता है, एक सेकेंड ईयर का होता है। वो पूरा टॉपिक ख़त्म करने के बाद ही फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल आए थे कि मैडम फर्स्ट ईयर का टॉपिक डालिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का डालिए। तो मैं आज आपके सामने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का वीडियो लेके आई हूँ। उससे पहले मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में दिए हुए बेल आइकन में ऑल बेल पर क्लिक कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घर में ही हैं हम, कभी किसी भी वक्त अपन वीडियो को देख सकते हैं। तो आप आराम से वीडियो को देखिए। वीडियो आपको पसंद आती तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर दें कि भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि मैडम आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, या आप ये चैप्टर पढ़ाइए, या कुछ क्वेश्चन मन में डाउट होता है तो आप क्वेश्चन भी लिखते हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो को देखा और अपने रिव्यू दिए हैं। आप अपने रिव्यू देते हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा एक्साइटेशन भी मिलता है कि भाई अपन वीडियो, अपन के स्टूडेंट्स अपन की वीडियोस देख रहे हैं, तो अपन अच्छी से अच्छी वीडियो बनाए ताकि सभी स्टूडेंट को वीडियो देखने का मौका मिले। तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचे और सभी को वीडियोज का बेनिफिट मिले। आपको माथुर्स क्लासेज एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, चाहे वायरमैन का भी हो, वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस करीब करीब सेम है। तो आप किसी में भी आईटीआई कर रहे हो तो ये आपके सिलेबस के हिसाब से ही मैंने वीडियो अपलोड की है। फर्स्ट ईयर की अलग अलग जो फर्स्ट ईयर की है उसके अंदर आगे फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए। फर्स्ट ईयर की जो वीडियोज है उसमें फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, सेकेंड ईयर की जो वीडियो उसके अंदर सेकेंड ईयर लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी वीडियो है, तो वो फेसबुक पे आप जाके देख सकते हैं। फेसबुक की लिंक वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंस्टाग्राम पर ड्राइंग के सिंबल्स और ड्राइंग का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो आप एक बार पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। फेसबुक पर भी पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो देखें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या वैद्युतिक उपकरण, या इनको अपन कहते हैं होम अप्लायंसेज भी इनको कहते हैं, क्योंकि घर पे काम आता है। जैसे प्रेस है, रूम हीटर है, कैटली है, हॉट प्लेट है, टोस्टर है, ये सब क्या है, हमारे घर के अंदर यूज आते हैं सामान, तो इनको अपन होम अप्लायंसेज भी कहते हैं। तो क्या है कि होम अप्लायंसेज कहो चाहे वैद्युतिक उपकरण कहो, एक ही बात है। क्या होती है कि विद्युत क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, इनका क्या है, अनुभव किया जा सकता है। तो और क्या है कि हमारे जीवन में विद्युत का बहुत ज़्यादा उपयोग है। लाइट नहीं होगी तो हमारा काम कैसे चलेगा, तो इसलिए विद्युत का क्या है, इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा इस उपयोग है। अगर लाइट घंटे भर भी चली जाती है तो अपन रहता है भाई लाइट चली गई, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही। तो ऐसे इसका रात को होता है, लाइट चली जाती है
तो अंधेरा हो जाता है, तो अपन सोचते हैं लाइट कितना जल्दी आएगी। तो रात को तो क्या है, प्रकाश उत्पन्न करता है, और दिन में जो क्या है कि पंखे वगैरह चलते हैं, सर्दियों में क्या है उष्मा उत्पन्न होती है, और मशीनों वगैरह उपकरणों में क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। घरेलू उपयोग और सिंचाई में भी क्या है कि मोटर का यूज होता है। तो मतलब किसी न किसी कारण से हमारे दिनचर्या में विद्युत का उपयोग होता ही रहता है, तो ये विद्युत होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके मेंटेनेंस भी अपन को करनी पड़ती है और सब कुछ काम करना पड़ता है। तो सबसे इसमें अपन क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, इसके अंदर एक हीटिंग अप्लायंसेज होता है, यानी उष्मक उपकरण होता है। तो वो क्या है, हीटिंग उपकरण या उष्मक उपकरण या हीटिंग अप्लायंसेज कहते हैं। क्या है, जब किसी प्रतिरोध युक्त तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत का यह प्रभाव उष्मक उपकरणों जैसे हीटर है, प्रेस है, हॉट प्लेट है, कैतली है, टोस्टर है, इन सभी में इनका यूज होता है। अब जो उष्मक हीटिंग अप्लायंसेज है या हीटिंग का है, तो इसका फॉर्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे कैलोरी। क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे, क्या इसकी यूनिट होगी कैलोरी, क्या होगी कैलोरी, ठीक है। तो ये हो गया उष्मा, इसका उष्मा उत्पन्न होती है, उसका ये फॉर्मूला हो गया है। अब इसमें जो अपन कोई भी हीटिंग एलिमेंट होता है उसके अंदर एलिमेंट कौन सा होता है, तो ज़्यादातर जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है, नाइक्रोम वायर जो होता है वो ज़्यादातर एलिमेंट का होता है। नाइक्रोम वायर जो होता है वो एलिमेंट के रूप में यूज में लेते हैं। अब जो नाइक्रोम है इसके अंदर किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो नाइक्रोम के अंदर निकिल प्लस क्रोमियम का यूज होता है। तो नाइक्रोम किसका मिश्रण है आपके एग्जाम में आ जाता है, तो निकिल प्लस क्रोमियम का मिश्रण है। और हीटिंग एलिमेंट कौन सा काम आता है, नाइक्रोम वायर हमेशा काम में आता है। आपसे कोई भी पूछे भाई इसमें कौन सा एलिमेंट काम में आता है, तो कौन सा आता है, नाइक्रोम यूज में, ज़्यादातर नाइक्रोम यूज में आता है। कभी कभी क्या है कि उष्मा उत्पन्न करने के लिए यूरेका तथा कैंथल का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु ज़्यादातर नाइक्रोम वायर का ही प्रयोग किया जाता है। अब जो उष्मा पैदा करते हैं तो उसके लिए अपन को क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो अब जो रूम हीटर है, विद्युत स्टोव है, विद्युत प्रेस है, विद्युत कैतली है, हॉट प्लेट है या टोस्टर है, इनके अंदर कितने कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कितने डिग्री सेंटीग्रेड का ये एलिमेंट होता है, तो इसका अपन को देखना पड़ेगा। भाई एलिमेंट है जैसे रूम हीटर है, तो रूम हीटर के अंदर 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का एलिमेंट यूज में लेते हैं। विद्युत स्टोव यानी कि हीटर जो होता है, पुराने जमाने में पुराने घरों में क्या होता था, हीटर होता था, तो वो हीटर यूज लेते थे। आजकल क्या है, हीटर को बहुत कम यूज लेते हैं, हॉट प्लेट को ज़्यादातर यूज में लेते हैं। तो विद्युत हीटर है यानी विद्युत स्टोव है या हीटर है, उसका जो टेम्परेचर होता है एलिमेंट का वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फिर आती है विद्युत प्रेस यानी कि प्रेस, तो इसका जो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री। देखो ये सारे मैं इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो हीटिंग एलिमेंट है उसका टेम्परेचर किसका कितना होता है, तो ये अपन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन से आइटम का कौन सा टेम्परेचर हीटिंग एलिमेंट में होता है। फिर आता है विद्युत कैतली, इलेक्ट्रिक कैतली भी आजकल बहुत यूज में आती है। कभी अपन जैसे पानी ऑफिसेज में होती है कि भाई कैटली पड़ी है, उसके अंदर दूध शक्कर चाय पत्ती और ये डाल दो, और 2 मिनट में ये गर्म हो, पानी गर्म हो जाता है और चाय बन के तैयार हो जाती है। तो ये आजकल विद्युत कैटली का भी बहुत ज़्यादा यूज में होने लगी है। हॉट प्लेट, हॉट प्लेट का क्या है, 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक एलिमेंट का टेम्परेचर रहता है। टोस्टर है 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहता है। तो ये सारा जो है इसमें दिया हुआ है कि भाई कौन से एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भाई रूम हीटर है, रूम हीटर का जो एलिमेंट है वो कितने
डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, तो अपन को ये याद रखना पड़ेगा कि भाई ये कितना है। तो ये 6 पॉइंट है, ये 6 आप याद रखो कि किसके साथ कितना डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो उससे अपन को क्या आराम रहता है। अब जो हीटिंग एलिमेंट होता है, ये तो अपन ने देख लिया है। हीटिंग एलिमेंट कौन सा होता है, कितने प्रकार का होता है, वो अपन देखते हैं। अब जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक खुले प्रकार का एलिमेंट, जिसको अनावृत एलिमेंट भी कहते हैं, और बेयर का एलिमेंट भी कहते हैं। इसका जो यूज होता है, वो विद्युत हीटर में इसका यूज होता है। कौन सा होता है? ओपन एलिमेंट या बेयर एलिमेंट। दूसरा होता है संवृत विद्युत रोधित प्रकार, या क्लोज इंसुलेटेड या अचालक आवरण में बंद हीटिंग एलिमेंट। जैसे इमर्सन रॉड है, हीटर है, ये अपने गीजर है, तो इनमें जो एलिमेंट होता है, ये बंद प्रकार का होता है, और जो हीटर है उसके अंदर एलिमेंट जो होता है, बेयर एलिमेंट होता है। तो ये 2 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। अब हम होम अप्लाइंसेज का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आता है रूम हीटर। रूम हीटर आप सबने देखा होगा, सर्दी होती है तो अपन क्या है, रूम के अंदर अपने रूम का टेम्परेचर लेवल में करने के लिए अपन रूम हीटर लगाते हैं। तो रूम हीटर का बहुत 2 प्रकार का होता है, एक तो रॉड टाइप का होता है, और एक बाउल टाइप का रूम हीटर होता है। तो रॉड टाइप और बाउल टाइप का रूम हीटर होता है। इसके मैं पार्ट बता देती हूँ, फिर डायग्राम से अपन देखते हैं कि कैसा रूम हीटर कौन सा होता है। तो जो रूम हीटर होता है, एक तो होता है रॉड टाइप और एक होता है बाउल टाइप। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? एक तो एलिमेंट होता है, रिफ्लेक्टर होता है, बेस प्लेट होता है, टर्मिनल होता है, और ग्रिल होती है। जो हीटिंग एलिमेंट होता है, वो क्या है, चीनी मिट्टी में बने 30 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप पर नाइक्रोम तार लपेटकर बनाया जाता है। एलिमेंट की जो वोल्टेज होती है, 1000 वाट की होती है। जो रिफ्लेक्टर होता है, वो निकिल और क्रोमियम की परत चढ़ी लोह शीट से बनाया जाता है। यह ऊष्मा की किरणों को आगे की ओर परावर्तित करता रहता है। और क्या बेस प्लेट, तो अपन देख उसमें डायग्राम में बताती हूँ कि मैं देखो आप कि एक बाउल टाइप का रॉड टाइप को और एक रॉड टाइप का जो रूम हीटर है, इसके अंदर अपन देखते हैं कि बेस प्लेट कौन सी होती है, रिफ्लेक्टर कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है। ये देखो डायग्राम में आप देख रहे हो, ये किसकी फ़ोटो है? रूम हीटर की फ़ोटो है। कौन से टाइप का है? रॉड टाइप का। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, रॉड टाइप का जो रूम हीटर होता है, वो इस प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें अपन बात करते हैं एलिमेंट की। देखो दो रॉड आपको नज़र आ रही है, दिख रही है, एक तो ये है और एक ये है। दो रॉड आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। दोनों रॉड में क्या है, ये क्या एलिमेंट है। एलिमेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम तार का बना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये क्या है? चिन्नी मिट्टी से बना हुआ होता है। ये जो रॉड लग है, ये किसकी है? चिन्नी मिट्टी की बनी हुई है। इसकी जो है 30 सेंटीमीटर तो लंबी है, और 2 सेंटीमीटर व्यास की नली है। मतलब 30 सेंटीमीटर तो लंबी यूं है, कितनी है? 30 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर व्यास है। मतलब कि ये जो वाला पोर्शन है, यहाँ से ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर व्यास की नली पर लिपटा हुआ होता है। इस नली की परिधि पर बहुत ही पतले और कम गहरे चूड़ी की आकृति में खांचे बने हुए होते। देखो आप दिख रहे हैं आपको खांचे बने हुए, एकदम ढंग से देखोगे तो आपको खांचे दिखेंगे। ये तो इसमें ये खांचे बने हुए होते हैं। इसमें क्या है कि खांचे बने हुए हैं, और इसमें क्या है कि तार की आकृति का ही एलिमेंट इस पर लपेटा जाता है। ये खांचे ना, इसी पे तार लपेटा हुआ जाता है। और एक रॉड कितने वोल्ट की होती है? 500 वोल्ट की एक रॉड होती है, ठीक है। अब इसमें आता है दूसरा पार्ट, ये तो कर लिया था एलिमेंट। दूसरा आता है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं? जो ये पीछे का जो पोर्शन है, सिल्वर सिल्वर जो आपको दिख रहा है, वो होता है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या है? रिफ्लेक्टर के रूम हीटर का रिफ्लेक्ट अर्ध बेलनाकार आकृति का होता है। अर्ध बेलनाकार आकृति में है, ये देखो आप गोलाई में नज़र आ रहा है, ये
अर्ध बेलनाकार आकृति में रिफ्लेक्टर होता है। यह लोहे की चादर का बना हुआ होता है। अंदर की तरफ यानी कि सामने के साइड में क्रोम की परत चढ़ाई जाती है, जिससे ये सिल्वर सिल्वर दिख रहा है ना, ये क्या है, क्रोम की परत चढ़ी हुई होती है। यह एलिमेंट में उत्पन्न ऊष्मा को सामने की तरफ परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि सामने की तरफ इसको परावर्तित करता है। रिफ्लेक्टर पर बेस प्लेट को लगाने के लिए चीनी मिट्टी के इंसुलेटर पर दो पत्तियां लगाई जाती है, ठीक है। फिर आता है बेस प्लेट, कौन सा होता है बेस प्लेट यानी कि इंसुलेटर। इंसुलेटर हमेशा किसका बना होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है। यह आकृति में बेलनाकार होता है। यह चीनी मिट्टी के बने 30 सेंटीमीटर लंबी 2 सेंटीमीटर व्यास की नली होती है। इसकी परिधि पर स्क्रू द्वारा चूड़ी की आकृति के समान आकृति बनी हुई होती है। देखो ये पूरा है ना, ये पूरा है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ये दोनों साइड में, इधर भी इधर भी इधर भी, ये सब क्या है, चूड़ी इधर कसी हुई होती है। तो इसको अपन कहते हैं बेस प्लेट कहते हैं। इसमें नट बोल्ट और ये सब कनेक्ट। फिर आता है कि भाई कनेक्शन लीड, कि भाई इसको कनेक्शन करने के लिए अपन को लीड की ज़रूरत होती है। और फिर होता है स्विच और ग्रिल। अब आती है बात ग्रिल की, ग्रिल कौन सी है। देखो आपको ये सिल्वर दिख रही है ग्रिल, पंखे में भी होती है, जाली होती है जिसके अंदर बच्चा हाथ नहीं डाले, तो इसलिए सभी पर ये क्या है, ग्रिल लगी हुई होती है। तो ये ग्रिल होती है। तो ये अपन ने ये देखा कि रॉड टाइप रूम हीटर। अब आता है बाउल टाइप रूम हीटर। बाउल टाइप क्या होता है, एक बाउल की तरह आकृति का होता है और उसके अंदर जो ये होता है अपने एलिमेंट, वो एक बल्ब की तरह होता है, छोटा सा शंकु की आकृति में होता है इंसुलेटर, उसमें एक एलिमेंट लगा होता है, बल्ब की तरह आपको नज़र आता है बाउल टाइप। तो आजकल रूम हीटर बहुत कम यूज में आने लगे, ज़्यादातर सभी के रॉड टाइप के जो रूम हीटर है वो यूज में आते हैं। अब इसमें जो ग्रिल होती है, तो ग्रिल में भी क्या है, क्या हीटिंग एलिमेंट को निकल या क्रोमियम की परत चढ़ा कर लोहे तार से बनाई जाली से अपन रख देते हैं। ग्रिल क्या हो, कौन सी होती है, भाई कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर जो अपन करते हैं ताकि कोई बच्चा हाथ नहीं डाले, या कुछ चीज़ अपन रखते हैं गर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके ऊपर कुछ चोट नहीं आए, तो अपन उसको ग्रिल लगाते हैं। अब सेकंड अपन पढ़ते हैं विद्युत स्टोव या हीटर कहते हैं। तो विद्युत स्टोव या हीटर, ये देखो पुराने ज़माने में अपन हीटर को बहुत ज़्यादा यूज़ लेते थे, कि भाई क्या होता था कि गैस तो बहुत कम लोगों के घर में होता था, हीटर तो क्या घर पे लोग बना लेते थे, और क्या है कि हीटर पे भी लोग क्या बंद कर देते थे तो लाइट का भी खर्चा बहुत कम आता था, तो लोग हीटर को यूज़ में लेते थे, भी चाय बनानी है या अपन को छोटा बड़ा कुछ काम करना है, दूध गर्म करना है, या कभी कभी ऐसे छोटे बच्चे होते हैं तो हीटर पास में रखते थे, क्योंकि पहले ज़माने में तो गैस का चूल्हा नहीं होता था, तो गैस का चूल्हा नहीं होता था तो क्या है, कौन तो लकड़ी जलाए, कौन कोयला जलाए, क्योंकि अब वो स्टोव वगैरह जलाना पड़ता था। तो हीटर सभी के घर में एक एक रखते थे, कि छोटा बच्चा है घर में अगर रात को रोएगा तो दूध गर्म करके अपन को पिलाना पड़ेगा। तो आज के ज़माने में हीटर बहुत कम यूज में आता है, क्योंकि सभी के घर में हॉट प्लेट होती है। विद्युत हीटर पुराने ज़माने में बहुत यूज लेता, और अभी भी कई कई ऑफिस में है या स्कूल कॉलेज में है जो चाय बनने के लिए भी हीटर का यूज में लेते हैं। तो हीटर में क्या होती है, एक तो हीटर प्लेट होती है, हीटिंग एलिमेंट होता है, बॉडी होती है, और ग्रिल होता है, एक प्लग टिप पॉइंट होता है। तो हीटर में क्या है कि हीटर को अपन बहुत आराम से अपन बना सकते हैं। तो हीटर इसके अपन डायग्राम में देखते हैं कि ये कैसे इसका यूज में होता है। अब अपन इसमें देखते हैं कि भाई जो हीटर है इसको अपन विद्युत स्टोव भी कहते हैं, इसको अपन हीटर भी कहते हैं और टेबल हीटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कि हीटर प्लेट। हीटर प्लेट कौन सी होती है, देखो आप डायग्राम में आप देख रहे हो, ये हीटर प्लेट कहलाती है। ये किसकी बनी हुई होती है, चीनी मिट्टी की बनी हुई होती है। आप देख रहे हो हीटर प्लेट डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये किसकी बनी होती है, चीनी मिट्टी की बनी हुई होती है। और ये किसके कितने साइज की होती है, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है, तथा 10 mm से 25 mm मोटाई की एक गोल प्लेट
होती है। तो इसकी साइज़ कितनी हो गई, साइज़ इसकी कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, और मोटी कितनी हो गई, 10 mm मोटी है। चीनी मिट्टी की बनी हुई होती है। प्लेट में खाचे बने हुए होते हैं, ये खाचे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये खाचे बने हुए होते हैं। इसका आकार ऐसा गोल ही होता है, या इसमें अब अपन क्या करते हैं कि जो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में ये प्लेट सहन कर सकती है। अब जो ये खाचे दिख रहे हैं अपन को, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एलिमेंट इसके अंदर अपन डालते हैं, हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर डालते हैं। हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, एक कॉइल की तरह होता है, वो इसके अंदर अपन स्टार्ट डाल देते हैं। तो यहाँ जैसे स्टार्ट किया, गोलाई में जाएगा, ये जो स्लॉट्स बने हुए ना, इनके सारे सारे एक स्प्रिंग वाली होती है, उसको अपन यहाँ कर देते हैं, यहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। तो ये किसका हो गया, हीटर प्लेट हो गई है। तो हीटर प्लेट में अपन ने देखा कि भाई क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई हीटर की प्लेट जो होती क्या साइज़ की होती है, तो 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर व्यास की होती है, और 10 mm से 25 mm मोटाई की होती है। ये एक होता है, इसके अंदर अपन इसको फिट कर देते हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर अपन एलिमेंट फिट कर देते हैं इसके अंदर, या फिर दो स्क्रू आते हैं नीचे, ताकि क्या है कि अपन स्क्रू से इसको पैक कर सकते हैं। अब देखो ये आपको एलिमेंट नज़र आ रहा है, दिख रहा है स्प्रिंग युक्त एलिमेंट होता है ये, क्या नाइक्रोम वायर होता है, ये कितना 26 से 8 SWG का होता है, किससे होता है 26 से 28 SWG का वायर होता है। SWG का पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है SWG का पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड, S का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। ये कौन सा एलिमेंट है, नाइक्रोम तार का है, 26 या 28 SWG तार से बना होता है, एक लंबा होता है कोयल नुमा एलिमेंट होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 50 से 60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और यह 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पर कार्य करता है। इसकी जो वोल्टेज होती है 1000 वॉट या 2000 वॉट तक रखी जाती है। ये देखो स्प्रिंग आपको नज़र आ रही है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं, फिर इसको खींचते रहते हैं, ये पूरा चक्कर घुमाता रहता है, ठीक है ना, और एंड वापस यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या हीटिंग एलिमेंट हो गया है। अब देखो ये पूरा हीटर अपने पास तैयार है। देखो आप हीटर में, आप ये देखो पूरी अंदर ये प्लेट थी, इसमें जो स्लॉट्स बने हुए इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है, और ये पूरा एलिमेंट ये पूरा है। कोई कोई तो इसको क्या है, लोहे का भी बना सकते हैं, पत्रे का, कोई कोई इसको क्या करते हैं कि अब पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, वाटर वर्क्स ऑफिस है, PSD ऑफिस है, उसमें बड़े बड़े पाइप पड़े होते थे पत्थर के, मतलब सीमेंट के, उनको छोटे छोटे काट काट के ऐसे पूरा गोलाकार बना के, ये पूरा एक गोलाकार बना के उसके अंदर ये प्लेट फिट करके इसको हीटर बना लेते थे। और इसमें देखो यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, तार निकाले हुए हैं, इसमें आप पिन डालो और अपने स्विच में लगा दो, तो ये एक हीटर तैयार हो गया। इसके ऊपर कई कई जने क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ग्रिल लगा देते हैं, ताकि क्या है कि ग्रिल बर्तन कोई भी रखें तो उसके अंदर एलिमेंट से टच ना हो, तो इसके ऊपर एक अपन ग्रिल भी लगा देते हैं, ताकि क्या है एलिमेंट को कोई टच नहीं करेगा, टच करेगा तो करंट आने का भी रहता है, तो इसलिए इसके ऊपर ग्रिल भी लगा सकते हैं। या अपन कोई जैसे भगोला रखते हैं तो बर्तन का स्टैंड जो होता है नीचे रखने का, वो भी इस हीटर पे रख के उसके ऊपर अपन भगोला रख सकते हैं। तो ये हो गया अपने टोटली विद्युत हीटर या इलेक्ट्रिक स्टोव या हीटर, इसको अपन कह सकते हैं। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक
केटल, इलेक्ट्रिक केटल यानी कि विद्युत कैतली। आजकल क्या है कि विद्युत कैतली जो बहुत ज़्यादा इसका यूज में आने लग गया है, जैसे कम मात्रा में पानी को गर्म करना है, दूध को गर्म करना है, चाय बनानी है, कॉफ़ी बनानी है, इसके लिए अपन क्या इलेक्ट्रिक कैटली का यूज में लेते हैं। सर्दियों में क्या है कि ज़्यादातर गर्म पानी करने के लिए भी यूज में लेते हैं। ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा यूज आता है कि भाई किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ना तो किसी भाई जी की ज़रूरत है ना किसी की भी ज़रूरत है, आप कैटली के अंदर पानी, दूध, शक्कर, चाय की पत्ती, इलायची सब डाल दो एक साथ और 2 मिनट में चाय बन के तैयार हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक कैटली का बहुत ज़्यादा आजकल यूज में होने लग गया है, ना तो कोई गैस जलाने की ज़रूरत है, ना कुछ किसी आदमी की ज़रूरत है, या कोई भी पर्सन खड़ा है, अगर खड़े खड़े भी वो चाय बनाता है तो बहुत जल्दी चाय बन जाती है। तो इलेक्ट्रिक कैटली का भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज में आने लग गया है। थोड़ा सा जैसे सर्दियों में क्या है, ज़्यादातर लोग गर्म पानी पीते हैं, तो कैटली में पानी डाला, प्लग में पिन डाली और स्विच को ऑन किया, 5 मिनट के अंदर आपको पानी बॉईल होके बताता है। तो जैसे पानी पीना है वैसा ही उसको गर्म करते हैं, जितने मिनट में उतना जल्दी पानी गर्म हो जाता है। अब जो विद्युत कैतली है ये 350 वॉट या 450 वॉट का वृत्ताकार हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर होता है। आजकल अलग अलग वॉटेज में अलग अलग आती है, आप देखो कि फिक्स नहीं है इसका वॉटेज, ज़्यादातर आती है कि आप नेट पे भी सर्च करोगे तो अलग अलग वॉट की आपको कैटली बताएंगे कि भाई कितने वॉट की कैटली है। हीटिंग एलिमेंट है जो नाइक्रोम रिबन का बना हुआ होता है, रिबन को माइका पर लपेट कर बनाया जाता है। एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि हीटिंग एलिमेंट किसका होता है या कितने वॉट की होती है। एस्बेस्टस सीट सफ़ेद रंग की मोटी सीट होती है जो ताप रोधी तथा विद्युत रोधी होती है, इसे एलिमेंट के नीचे लगाया जाता है। अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कैटली कैसी होती है। ये देखो इलेक्ट्रिक कैटली होती है, इसके अंदर क्या है अपन कोई भी, इसमें देखो क्वांटिटी लिखी हुई होती है, इसके अंदर अपन पानी डाल देते हैं और पानी गर्म करके इसको अपन यूज में ले सकते हैं। इसको ऊपर से अपन यहाँ से खोलते हैं और इसमें पानी, चाय बनानी है या कुछ भी करना है इसके अंदर अपन सब कुछ कर सकते हैं। ये इसका हैंडल है और यहाँ पे इसके पिन, पीछे पिन दी हुई होती है उसमें होती है, और ये नीचे की साइड में इसमें एलिमेंट लगा हुआ होता है। अब अपन देखते हैं इमर्सन हीटर या इमर्सन रॉड। इमर्सन रॉड कैसी होती है, देखो कि आप पानी गर्म करना है, जैसे मैं तो ये बता रही हूँ कि अपन हॉस्टल में रहते हैं और पानी गर्म नहीं होता है, कहीं पे गीजर की फैसिलिटी नहीं होती, बॉयलर की फैसिलिटी नहीं होती है, तो ये एक रॉड होती है छोटी सी, वो अपने बैग में डाल के रख सकते हैं। जहाँ पे भी अपन बाथरूम है वहाँ पे बाल्टी में उस रॉड को लगाते हैं और 10-15 मिनट में पानी गर्म हो जाता है, तो अपन उसको स्नान कर सकते हैं। तो ये इमर्सन रॉड है जो ज़्यादातर ये ऐसे ही काम आती है कि अपन चाहे हॉस्टल में हैं चाहे कहीं पे भी रह रहे हैं तो ये इमर्सन रॉड वहाँ पे काम में आती है। पानी को गर्म करने के लिए इसका यूज में होता है। बाल्टी के अंदर क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, जैसे पौन बाल्टी भर दी या आधी बाल्टी, पौन बाल्टी भर दी, इमर्सन रॉड को उसके अंदर डाल देते हैं और उसको प्लग को ऑन कर देते हैं, थोड़ी देर से क्या पानी गर्म हो जाता है। तो इसका जो है, इसमें इमर्सन रॉड में क्या है, एक पीतल की ट्यूब में नाइक्रोम से बना स्प्रिंग नुमा एलिमेंट को डालकर इमर्सन हीटर बनाया जाता है। एलिमेंट के चारों ओर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा होता है। अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन में आ सकता है, इमर्सन रॉड या इमर्सन हीटर में एलिमेंट के चारों ओर क्या भरा जाता है, तो कौन सा क्या भरा जाता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा जाता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एक इंसुलेटेड का कार्य करता है और जो ये इमर्सन रॉड होती है 500, 1000, 1500 वॉट या 2500 वॉट तक भी मिलती है। तो ये अपन इसमें है, इसमें क्या है कि बाकी जो है डायग्राम में अपन देखते हैं कि इमर्सन रॉड कैसी होती है। अब ये देखो इमर्सन रॉड है या इमर्सन हीटर जिसको कहते हैं, ये इसका क्या है एलिमेंट है, क्या है ये
एलिमेंट है, और इसके ऊपर ये बेकेलाइट का ये बना हुआ होता है, लगा हुआ होता है, ताकि इसमें कोई भी इसमें कॉन्टेक्ट तार होते हैं जो किसी से करंट नहीं आए, और ये पूरी लीड बनी हुई होती है। अब जो अपन बाल्टी के अंदर डालते हैं तो इसको इतनी क्वांटिटी में डालते हैं कि पानी इतना भरा हुआ और इतना डूबा हुआ हो। तो इसमें डालने के बाद पानी, ये रॉ एलिमेंट है, ये गर्म होता रहता है। और एलिमेंट में मैंने आपको बताया था कि पीतल की नली होती है, एलिमेंट कॉयल नुमा एलिमेंट होता है, इसे पीतल की नली में स्थापित करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण इसमें भरा हुआ होता है। एलिमेंट की नली से अलग रखने के लिए दोनों सिरों पर एक मोटा तांबे का तार का संयोजक होता है। जो ये काला काला है ना, ये जो देखो आप काला काला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा इन दोनों रॉड को अलग रखता है। और बाल्टी में अपन डालते हैं तो बाल्टी में पीछे की साइड में ये रह भी जाता है। तो ये इमर्सन रॉड या इमर्सन हीटर कह दो एक ही बात है। इसके अंदर पिन लगी होती है, पिन डालो, बाल्टी में इसको डालो, पानी गर्म हो जाता है। ये क्या है कि आजकल स्टूडेंट्स लाइफ होती है, जो हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, उनको सर्दी में पानी की फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो वो इस रॉड को अपने साथ रखते हैं ताकि क्या है कि उनको यूज में आ सके। तो आज अपन ने पढ़ा है घरेलू विद्युत उपकरण। इसमें अपन ने देखा सबसे पहले तो हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, हीटिंग अप्लाइंसेज क्या होता है, रूम हीटर क्या होता है, कैसा होता है, इलेक्ट्रिक स्टोव यानी हीटर कैसा होता है, और अपन ने पढ़ा था कि भाई ये कैतली होती है, इमर्सन हीटर होता है, इनके बारे में आज अपन ने पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट इसी का ही वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रेस का, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेस है, गीजर है, बॉयलर है, इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है, फेसबुक की लिंक है, आप तीनों लिंक को ज्वाइन कर सकते फेसबुक पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियोज है। तो आप जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या जो सेकेंड ईयर में हैं, उनके अगर फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बैक आ गई हो तो वो भी आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे अपन किसी भी ट्रेड के हो, सभी ट्रेड में ये कंपल्सरी होता है और ये फर्स्ट ईयर में करीब करीब क्लियर हो जाता है। तो आप फेसबुक पर पेज को फॉलो करके आराम से वीडियो को देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर की वीडियोज है। और साथ में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आईटीआई पास आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके अंदर आईटीआई का कोर्स आता ही आता है। तो कई जनों के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि मैडम कंपटीशन की तैयारी करें, तो बेटा मैं आपसे यही बोलना चाह रही हूँ कि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें या कोई भी करें तो बेसिक तो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अपन जब आईटीआई करते हैं तो उस समय क्या है कि पास होना अपने दिमाग में ये सेट होता है सिर्फ कि हमको पास होना है, 60% तो लाना ही लाना है। और अगर आप आराम से वीडियो को देखोगे तो आपके 70-80% तो आराम से आएंगे। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, देर किस बात की, हो जाओ शुरू वीडियो देखने के लिए। वीडियो को पूरी अच्छे से देखो, लाइक करके कमेंट जरूर करो और फ्रेंड्स को शेयर भी करो। आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको क्या है कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि अपने आईटीआई का जो कोर्स है एनसीवीटी होता है, ऑल इंडिया टेस्ट होता है, तो ये ऑल इंडिया में आप कहीं पे भी हो सेम कोर्स होएगा, सेम एग्जाम डेट होती है, सेम पेपर होता है। तो आप आराम से वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए और लाइक करके ज़रूर शेयर भी करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप देखते रहिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।